नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। पूरी दुनिया में भारत महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सबसे खतरनाक देश है। दरअसल मंगलवार को थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की ओर से एक सर्वे जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि यौन शोषण, यौन व्यापार और मानव तस्करी के मामले में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी देश में धकेली जा रही हैं तो वो भारत है। और भारत इस लिस्ट जो रॉयटर्स की ओर से सर्वे किया गया उसमें भारत टॉप लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें इस सर्वे किस आधार पर किया गया है। दरअसल 550 विशेषज्ञों द्वारा ये सर्वे किया गया है, जिसमें 193 देशों को शामिल किया गया था और उसमें 10 देश ऐसे निकाले गए जिसमें महिलाओं की हालत या स्थिति बदतर है और उसमें भारत सबसे ऊपर है। ये बेहद ही अफसोस की बात है कि भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। वहीं 2011 में भी ये सर्वे किया गया था जब भारत इस सर्वे में तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब वो खिसक कर पहले पायदान पर आ गया है। बीती अगर घटनाएं देखी जाए, महिलाओं के साथ जो भी वारदातें हुई हैं, बीती घटनाएं जो भी हुई हैं उसके हिसाब से ये सर्वे किया गया है और भारत इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर। इस सर्वे से ये भी साफ तौर पर साबित हो जाता है कि 2011 में जो निर्भया कांड हुआ और जिसको लेकर लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर सामने देखा गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं जागी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। ये सर्वे इस पूरी घटना को दर्शाता है कि भारत अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि कोई सर्वे भी ये कह रहा है कि भारत महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सबसे बदतर देश है। तो अभी अगर सरकार को इस कलंक को मिटाना है तो महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना होगा, महिलाओं के लिए कदम उठाने होंगे। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।